नेरुल में दिल दहला देने वाली एक घटना घटी, जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि नवी मुंबई पुलिस की माने तो पुलिस निरीक्षक का कहना था, रत्नेश्वर रजावल महंतो बिहार निवासी को एक बार वाला से प्यार हो गया। उसके बाद उसने हसीना बेगम से शादी कर ली। महंतो डेढ़ साल तक अपनी पत्नी के साथ रहा। वो डेढ़ साल तक कपड़े बेचने का काम कर रहा था। रत्नेश्वर महंतो डेढ़ साल के बाद बिहार जाना चाहता था और उसने रेलवे का टिकट भी निकाल लिया था, लेकिन हसीना और महंतो जिस किराए के मकान में रहते थे उसका किराया नहीं चुकाया था। 3 महीने का किराया बाकी होने की वजह से पति पत्नी में झड़प हो गई, जिसे गुस्साए रत्नेश्वर महंतो ने हसीना पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसकी वजह से हसीना बुरी तरह से जल गई। पड़ोसियों की सहायता से हसीना को डीवाई पाटिल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन गंभीर रूप से जले होने की वजह से उसे कस्तूरबा अस्पताल ले जाया गया। फिर हसीना को नायर अस्पताल भेज दिया गया। 4 दिनों तक चले जिंदगी और मौत के जंग में जिंदगी हार गई और हसीना की मौत हो गई, जिसके बाद महंतो को दफा 302 के तहत हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से सुखद प्रेम का दुखद अंत हुआ। आरोपी युवक अपनी करनी पर अब पछता रहा है, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक 28 वर्षीय युवती कलकत्ते से मुंबई इसलिए आ गई कि उसकी जिंदगी में खुशियां भर जाए, कोई अच्छा मकान मिले, लेकिन उस बदनसीब औरत को खुशियां तो नहीं मिली, लेकिन बदले में मिली सिर्फ मौत। जी हाँ, उसी के पति ने उसे जिंदा जला दिया। मैं गोपाल शाह, कर्नाला TV न्यूज़ के लिए।